दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या रहती है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों को कई निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए हमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। यमुना का प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की जल गुणवत्ता के मानक नए सिरे से निर्धारित कर दिए गए हैं। अब किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को CETP के लिए प्रदूषित जल छोड़ते हुए उसमें प्रदूषण तत्वों की मात्रा को और भी सीमित करनी होगी। नए मानक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली का चिड़ियाघर 1 मार्च से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वहीं चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक सितंबर 2019 से 10 जनवरी 2022 तक पिछले 2.5 सालों में करीब आधा दर्जन शेर और टाइगर की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर शेर और टाइगर के मरने का कारण किडनी से जुड़ी बीमारियां बताई गई हैं। चिड़ियाघर में वीक डेज में जहां 4,000 लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, तो वहीं वीकेंड पर 7,000 लोग जानवरों का दीदार करने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महिला दिवस पर मैं सभी बेटियों, माताओं, बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। बिना महिला सशक्तिकरण के कोई भी राष्ट्र सफल नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल के हुगली के सिंगूर के रहने वाले मिलन मांझी पर्यावरण जागरूकता के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। करीब 2,500 किलोमीटर सफर तय कर वे झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वे पैदल यात्रा कर रहे हैं। पर्यावरण जागरूकता को लेकर 30 वर्ष के मिलन मांझी पिछले 2 महीने से पैदल यात्रा पर हैं। देश में कोरोना संक्रमित नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान मंगलवार सुबह तक कोरोना संक्रमित 3,993 नए मरीज मिले। इस अवधि में कोरोना महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 8,055 रही, जबकि कोरोना संक्रमित 108 मरीजों की मौत हो गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लगभग 25 लाख रुपए का पर्यावरण जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है, जो मेवात में चल रहे ईंट भट्टों के खिलाफ लगाया गया है। मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुतंगा में 29 अवैध कोक संयंत्रों को बंद करने का नोटिस दिया है। MSPCB ने इन 29 इकाइयों को सहमति से इनकार भी कर दिया है। पर्यावरण सम्मेलन समिति ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है कि कोक प्लांट कितने खतरनाक है, जो आवासीय क्षेत्रों में खतरनाक कणों का उत्सर्जन करते हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों में मौसम बिगड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की है। विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ के TIT कॉलोनी स्थित पूटा और प्लास्टिक भंडार के कबाड़ में आग लग गई है। आग लगने की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को लगी, तत्काल घटनास्थल पहुंचकर आग बुझाने में लगी हुई है। बहरहाल अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आग किन कारणों से लगी है। आग के बाद वहाँ की हवा में प्रदूषण भी फैल गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।